जी भाई साहब, आपका नाम? मनीष राय जी। भाई साहब, आप ऑस्ट्रेलिया में कब से हैं? करीब 9 वर्ष से। और यहाँ किस चीज़ का बिजनेस या क्या जॉब करते हैं? जी मैं जर्नलिस्ट हूँ, मिडल ईस्ट पर रिपोर्टिंग करता हूँ। ओके। और करीब 9 वर्ष से हूँ, मतलब मैं यहाँ पढ़ने आया था। हम दोनों एक ही फतन से हैं। बिल्कुल जी। फिर मैं आपसे बड़ा एक अहम सवाल पूछूंगा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इस समय हिंदुस्तान बुलंदियों को चूम रहा है, बुलंदियों पे पहुंच रहा है। मोदी जी ने जो कहा वो बिल्कुल सच्चाई कही, जिस तरीके से हम लोगों की उन्नति हो रही है इसमें कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन आप जर्नलिस्ट हैं इसलिए आपसे एक बात पूछूंगा अहम, कि मोदी जी ने उन्नति के साथ साथ जो लोग हमारे देश की तरफ गलत नज़र से देखते हैं उनके इरादों को भी नस्ते नाबूद किया है। जैसे कि यहाँ मोदी जी यहाँ है, हमारे हिंदुस्तान में इस समय G20 चल रहा है और इस समय जम्मू कश्मीर में G20 होना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लगभग 29-30 सालों से वहाँ आतंकवाद पनप रहा था, तो आज वो आतंकवाद ख़त्म होके 20 देशों के लोग वहाँ गए हैं, 20 देशों के डेलीगेट्स वहाँ गए हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, ये जो जम्मू कश्मीर में और ख़ासतौर में श्रीनगर में जो G20 को रखा गया, ये केवल एक आयोजन मात्र नहीं है, इट्स लाइक क्रिएटिंग अ स्टेटमेंट कि एक तो ये सबसे बड़ा इस बात को और प्रबलता से रखना कि कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग है, और जो पहले केवल दिल्ली में होता था कि डिप्लोमेटिक इंटरनेशनल जो भी इवेंट्स हैं वो केवल दिल्ली सेंट्रिक होते थे, भारत का मतलब केवल दिल्ली नहीं है, तो ये एक संपूर्ण भारत है और इतना विविधताओं वाला देश जो है वो दुनिया के सामने रखने का सबसे अच्छा जो प्लेटफॉर्म है वो G20 है। जी, आपका मानना है कि इस समय मोदी जी ने भारत से जो खासकर कश्मीर से है, जो पड़ोसी मुल्क हमारे लिए हर समय गलत प्रोपेगेंडे करता था, हमारे लिए आतंकवाद फैलाता था, उनके इरादों को और उनके आतंकवादियों के इरादों को नस्ते नाबूद कर दिया है? जी बिल्कुल, राष्ट्रीय सुरक्षा पे और ख़ासतौर पे हमारे जो एक पड़ोसी हैं जिनका आतंकवाद फैलाना एक पॉलिसी रही है स्टेट की, उनको आज ही नहीं मतलब जब से इन्होंने सरकार ली है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट इनको दी है और हर स्तर पर। आप ये मानते हैं कि उन पड़ोसी मुल्कों के पास आज उनको कहना पड़ रहा है, उनके लोगों को ये कहना पड़ रहा है कि हमें भी मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए था? जी बिल्कुल, ख़ासतौर पर जो उनके बड़े आलोचक हैं वो उनका नाम ले रहे हैं। पाकिस्तान में जो एक रोल मॉडल प्रधानमंत्री के रोल पे देखा जाए तो इन्हीं को देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, आप ये भी मानते हैं कि आज वो मुल्क जो आतंकवाद फैलाता था वही मुल्क आज अपने लोगों को खाना भी नहीं दे पा रहा? जी बिल्कुल, ये जो भी स्टेट जो है वो टेररिज्म फैलाती है या ट्यूल की तरह इस्तेमाल करती है, अंतोगत्वा उसका ये हाल होना ही होता है, क्योंकि पाकिस्तान की जो पॉलिसी थी शुरू से उन्होंने अपने इंटरनल मामलातों पे कभी ध्यान दिया ही नहीं, और अंतोगत्वा ये होना ही था आज नहीं तो कल। जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत।